हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो लास्ट क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पे क्वेश्चन कर रहे थे पहले हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन देखा था वॉल्यूम यूनिट कन्वर्जन देन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड चलिए फर्दर हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कंटेंस फोर्टी टू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इफ इट्स बेस मेजर सिक्स मीटर बाय थ्री पॉइंट फाइव मीटर देखिए आपको दिया गया है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक में वाटर कितना है ये है फोर्टी टू थाउजेंड लीटर ठीक है और बेस जो है उसका मेजरमेंट गिवन है वाटर टैंक का जो बेस है उसका मेजरमेंट गिवन है आपको क्या बताना है डेफ्थ ऑफ वाटर इन द टैंक ठीक है ना डेफ्थ ऑफ वाटर इन द टैंक बताना है सबसे पहले गिवन नोट कर लीजिए गिवन आपके पास क्या है वॉल्यूम ऑफ टैंक ये कितना हो जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड लीटर ठीक है गिवन आपके पास क्या है कि एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसमें कितना है 42,000 लीटर ऑफ वाटर है तो आप इस तरीके से देखिए वाटर टैंक आपका रेक्टेंगुलर है तो आप इस तरीके से की शेप ड्रॉ कर लीजिए एज्यूम कर लीजिए ये आपके पास वाटर टैंक है ठीक है इस वाटर टैंक का जो बेस मेज़र है, है। ये आपको गिवन है सपोज करिए सिक्स मीटर है और ये कितना है ये आपके पास थ्री मीटर इसमें वाटर भरा हुआ है ठीक है ना इसमें क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है आप इस तरीके से ज्यूम कर लीजिए इसमें क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है ठीक है अब यह कहा जा रहा है कि इसमें कितना वाटर है इसमें वाटर है फोर्टी टू थाउजेंड लीटर्स तो फोर्टी टू थाउजेंड लीटर वाटर है तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया फोर्टी टू थाउजेंड लीटर वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक कितना हो गया फोर्टी टू थाउजेंड लीटर आपको क्या बताना है आपको ये बताना है डेफ्थ ऑफ दिस वन डेफ्त ऑफ वाटर ये आपको आपको डेफ्थ बताना है ठीक है ना डेफ्थ ऑफ वाटर इन द टैंक तो क्लियरली आप देख रहे हैं वॉल्यूम क्या आ गया वॉल्यूम आ गया फोर्टी टू थाउजेंड लीटर तो वॉल्यूम अगर फोर्टी टू थाउजेंड लीटर है तो इस लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो हम देख लेंगे फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड मीटर क्यूब क्योंकि हमको पता है वन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है वन थाउजेंड लीटर हमने लास्ट क्लास में इस चीज़ को पढ़ा था अब देखिए हमको बेस पता है बेस किसमें गिवन है बेस का जो मेजरमेंट है वो किस में की है वो हमको मीटर में गिवन है ठीक है तो अगर हम वॉल्यूम मीटर क्यूब में फाइंड आउट कर लेंगे तो हम डेप्थ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं डेप्थ फाइंड आउट करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम पता हो जाएगा एरिया ऑफ़ बेस पता हो जाएगा तो डेफ आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया वॉल्यूम आ गया 42 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना आ गया 42 मीटर क्यूब ठीक है वॉलीम फोर्टी मीटर क्यूब है अब बेस का जो मेजरमेंट है वो कितना है देखिए गिवन है बेस मेजर 6 मीटर बाय 3.5 मीटर तो एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक ये कितना हो जाएगा 6 इंटू थ्री मीटर स्क्वायर जो बेस एरिया है बेस एरिया कितना हो जाएगा सिक्स इंटू मीटर स्क्वायर तो यहाँ से एरिया ऑफ़ बेस कितना आ गया ये आ गया ट्वेंटी वन मीटर स्क्वायर आपके अगर सिक्स इंटू थ्री पॉइंट फाइव कर दीजिए ये आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी वन तो एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक कितना आ गया ट्वेंटी वन मीटर स्क्वायर अब ये एरिया ऑफ बेस ये कितना आ गया ट्वेंटी वन मीटर स्क्वायर तो आप जानते हैं कि हाइट आपने एक फॉमूला पढ़ा है हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ़ बेस अब यहाँ पर ये जो डेफ्थ है ये क्या है एक्चुअल में ये आप यहाँ पे यहाँ डाउनवर्ड से अपवर्ड एज्यूम कर रहे हैं या डाउनवर्ड से अपवर्ड आप मेजर कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं इसको हाइट बोलते हैं अब यही आप अपवर्ड से डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे डेफ्त बोलेंगे तो आप डिस्टेंस तो वही फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस दूसरा कुछ थोड़ी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेफ्थ ऑफ टैंक जिसको कि एच लिख रहे हैं एच इज़ इक्व टू वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया ऑफ बेस यहाँ से डेफ्त ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर्टी टू डिड बाई ट्वेंटी वन मीटर यानी इसको सॉल्व करेंगे तो डेफ्थ ऑफ टैंक कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू मीटर डेफ्थ ऑफ टैंक कितना आ गया टू मीटर और ये आपसे पूछा गया था कि डेफ्थ ऑफ टैंक फाइंड आउट करिए तो हम लिख सकते हैं द डेफ ऑफ टैंक इज इक्वस्ट टू वॉट दैट इज टू मीटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट विल बी द लेबर चार्जेज फॉर डिगिंग अ अब पिट एट मीटर लॉन्ग सिक्स मीटर ब्रॉड एंड थ्री मीटर डीप एट मीटर लॉन्ग सिक्स मीटर ब्रॉड एंड थ्री मीटर डीप एट द रेट ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी पर मीटर क्यूब देखिए आपको क्या करना है आपको एक क्यूबोडल पिट बनाना है जिसका लेंथ ब्रेथ और डेफ्थ आपको गिवन है लेंथ कितना है एट मीटर ब्रेथ कितना है आपके पास ब्रेथ है सिक्स मीटर एंड डेफ कितना है डेफ्थ है थ्री मीटर रेट आपको गिवन है ये कितना है रुपीज़ ट्वेंटी पर मीटर क्यूब सो सबसे पहले आप क्या करिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए ठीक है ना आपने जो पिट बनाया है या जो पिट बनाना है उसका आप वॉलीम फाइंड आउट कर लीजिए तो लेंथ गिवन है लेंथ कितना है एट मीटर ब्रेथ कितना है सिक्स मीटर और डेफ्थ कितना है डेफ्थ है थ्री मीटर सो वॉल्यूम ऑफ़ पिट ये कितना हो जाएगा एट इंटू सिक्स इंटू थ्री मीटर क्यूब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एट इंटू सिक्स इंटू थ्री कर दीजिए तो कितना मिलेगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पिट कितना हो गया ये हो गया वन हंड्रेड फोर्टी फोर मीटर क्यूब ना वॉल्यूम आ गया वन हंड्रेड फोर्टी फोर मीटर क्यूब अब देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग वन मीटर क्यूब गिवेन है कितना है रुपीज़ ट्वेंटी देखिए ये आपको रेट गिवे है रेट रेट कितना गिवेन रुपीज़ ट्वेंटी पर मीटर क्यूब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास वन मीटर क्यूब का कॉस्ट है वन मीटर क्यूब पिट बनाने का जो कॉस्ट है वो कितना है रुपीज़ तो ट्वेंटी टोटल कितना आपने पिट बनाए जो पिट बनाए उसका वॉल्यूम टोटल कितना है वन हंड्रेड फोर्टी फोर मीटर क्यूब तो आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग वन हंड्रेड फोर्टी फोर मीटर क्यूब ये कितना हो जाएगा रुपीज़ ट्वेंटी ये कितना हो जाएगा रुपीज़ ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड फोर्टी फोर ये कितना हो जाएगा रुपीज़ ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड फोटी फ़ोर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीज टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी तो जो पिट बनाने का टोटल कॉस्ट है वो कितना आ गया टू थाउजेंड एट हंड्रेड एटी पूछा क्या गया था क्या पूछा गया था आपसे लेबर चार्जेस तो आप बोल सकते हैं टोटल लेबर चार्जेस जो है वो कितने आ गए रुपीज टू थाउजेंड एट हंड्रेड एटी फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी ब्रिक्स ऑफ साइज ट्वेंटी टू सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर इंटू सेवन सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल थर्टी थ्री मीटर लॉन्ग थ्री पॉइंट फाइव मीटर हाई एंड फोर्टी सेंटीमीटर थिक इफ सीमेंट एंड सैंड यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑक्ुपाई वन टेंथ पार्ट ऑफ द वॉल देखिए वो क्या कहा गया है कि एक वॉल बनाया गया जिसका लेंथ कितना है लेंथ है थर्टी थ्री मीटर और हाइट है थ्री पॉइंट फाइव मीटर और थिकनेस या आप बोल सकते हैं ब्रेथ ये कितना है फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है आपको बताना है कि इसमें कितने ब्रिक्स यूज़ किए गए क्या बताना है आपको इसमें कितने ब्रिक्स यूज़ किए गए ब्रिक्स का जो है डायमेंशन आपको गिवन है ठीक है ना आपको ब्रिक्स का डायमेंशन गिवन है और एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे कि जो भी वॉल्यूम है वॉल का ये जो टोटल वॉल का जो वॉल्यूम है उसका वन टेंथ पार्ट जो है वो क्या है वो है आपके पास सीमेंट एंड सैंड वन टेंथ पार्ट क्या है सीमेंट एंड सैंड देखिए सिंपल सी बात है आपको बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स ठीक है और आपको टोटल जो वॉल है वॉल का डायमेंशन आपको गिवन ही है ठीक है तो आप ये देखिए कि टोटल जो ब्रिक्स लगे हैं उसका वॉल्यूम कितना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ठीक है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर लीजिए और उसको क्या करिए जो वन ब्रिक का वॉल्यूम वन ब्रिक का वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर दीजिए आसानी से आपका आंसर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर समझिए

थर्टी थ्री मीटर लॉन्ग ये गिवन है हाइट कितना गिवन है थ्री पॉइंट फाइव मीटर और थिकनेस ये कितना गिवन है ये गिवन है आपको फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वॉल बनाने में सीमेंट एंड सैंड भी यूज हुआ है तो सीमेंट एंड सैंड जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करें या टोटल ये गिवन है कि सीमेंट एंड सैंड जो यूज़ किया गया है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये वन टेंथ पार्ट ऑफ वॉल ऑक्युपाई कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड आउट कर लीजिएगा उसका वन टेंथ करके टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो वॉल में ब्रिक्स यूज़ किए गए उनका टोटल वॉल्यूम कितना है और आप क्या करिएगा फिर टोटल वॉल्यूम को वन ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिएगा मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को वन ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब गिवन है आपको क्या गिवन है देखिए लेंथ ऑफ वॉल गिवन है थर्टी थ्री मीटर हाइट ऑफ वॉल आपको गिवन है थ्री पॉइंट फाइव मीटर एंड थिकनेस ऑफ वॉल गिवन है फोर्टी सेंटीमीटर तो आप देखिए लेंथ मीटर में है हाइट क्या है हाइट भी मीटर में है तो थिकनेस भी आप क्या करिए इसको मीटर में लिख लीजिए तो थिकनेस कितना हो जाएगा आप इसको मीटर में चेंज करिए तो फोर्टी सेंटीमीटर गिवन है तो क्या हो जाएगा फोर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड मीटर यहाँ से आप बोल सकते हैं कि थिकनेस कितना आ जाएगा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर मीटर तो आप बोलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल जिसको कि हम वी बोल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थर्टी थ्री इंटू थ्री पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर मीटर क्यूब लेंथ हाइट इंटू ब्रेथ थिकनेस यहाँ पे क्या ब्रेथ देख रहे हैं देखिए लेंथ है हाइट है एंड ये ब्रेथ है तो आप देखिए वॉल्यूम कितना हो गया थर्टी थ्री इंटू थ्री पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर मीटर क्यूब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा फोर्टी सिक्स पॉइंट टू मीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉल आया ये क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉल है अब आपको आप गिवन है क्या गिवन है देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट एंड सैंड ये ये गिवन है कितना गिवन है ऑफ ऑफ द वॉल्यूम वॉल ये कितना है आपके पास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट एंड सैंड जिसको कि हम वी वन लिख रहे हैं तो वी वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर्टी सिक्स टू डिड बाई टेन मीटर क्यूब और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी वन इज इक्वल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर पॉइंट सिक्स टू मीटर क्यूब सो so, आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड मिल गया वॉल में ठीक है वो आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स अब वॉल जो है वो किससे बना है ब्रिक्स सीमेंट एंड सैंड देखिए यहाँ पे आपको गिवन है सीमेंट एंड सैंड यूज यूज किया गया है तो जो सीमेंट एंड सैंड है वो जो वॉल का टोटल वॉल्यूम है उसका वन टेंथ ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस तो हम बोल सकते हैं कि जो सीमेंट एंड सैंड का वॉल्यूम है वो वॉल के वॉल्यूम का क्या है वन टेंथ है

V2 टू इज टू क्या आ जाएगा 46.2 सिक्स माइनस फोर मीटर क्यूब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो वी टू इज क्या जाएगा ये आ तो जाएगा 41.58 मीटर क्यूब सो V2 क्या है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है तो आपको क्या मिल गया आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मतलब टोटल जो ब्रिक्स यूज किए गए हैं वॉल को बनाने में उसका वॉल्यूम मिल गया तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना है ये है फोर्टी मीटर क्यूब लेकिन आप एक बात देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डायमेंशन ऑफ ब्रिक है वो क्या है ये गिवन है आपका सेंटीमीटर में ठीक है ना ब्रिक्स के जो डायमेंशन है वो क्या सेंटीमीटर है? है तो आप क्या लीजिए तो क्या हो जाएगा फोर्टी वन पॉइंट फाइव एट इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ध्यान दीजिएगा आप क्या ये गिवन है Volume of bricks. Volume of bricks कितना है तो इसको आप जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्टी वन पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब देखिए आप इस तरीके से यूनिट लिखते हैं मिलीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब डेका मीटर क्यूब डेका मीटर क्यूब हेक्टोमीटर क्यूब एंड किलोमीटर क्यूब ठीक है ना मिलीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब डेकामीटर क्यूब हेक्टोमीटर क्यूब एंड किलोमीटर क्यूब आपको क्या करना है मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें सेंटीमीटर क्यूब में देखिए मीटर क्यूब यहाँ है और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ है आपको अप साइड से डाउन साइड आना है ठीक है तो आप क्या करेंगे आप दो स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं देखिए दो स्टेप डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे इंटू वन थाउजेंड एंड अगेन आप एक स्टेप और डाउनवर्ड आ रहे हैं तो इन टू वन थाउजेंड तो वन थाउजेंड इंटू वन थाउजेंड को आप आसानी से क्या ले सकते हैं हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू

ट्वेंटी टू इंटू टेन इंटू सेवन सेंटीमीटर क्यूब इसको फर्दर सॉल्व करिए तो वॉल्यूम ऑफ़ वन ब्रिक कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब वॉलीम ऑफ़ वन ब्रिक आपको मिल गया अब आप एज्यूम करिए कि जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने लगाए हैं ये एन नंबर ऑफ़ ब्रिक्स लगा दिए आपने अभी आपको पता नहीं कितने है कितने ब्रिक्स हैं बट हम बोल दे रहे हैं कि एन नंबर ऑफ़ ब्रिक्स लगा दिए हैं तो वन ब्रिक का वॉल्यूम जो है वो कितना है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी तो एन नंबर ऑफ़ जो ब्रिक्स हैं उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा उनका वॉल्यूम हो जाएगा एन इंटू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब देखिए वन ब्रिक का वॉल्यूम है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब तो एन नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है उनका वॉल्यूम कितना होगा उनका वॉल्यूम होगा एन मल्टीप्लाइड बाई वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब अब आप देखिए जो एन नंबर ऑफ़ ब्रिक्स लगे हुए हैं ये कहाँ यहाँ पर लगे हुए हैं तो अभी जो टोटल वॉल्यूम यहाँ ब्रिक्स का है वो क्या होना चाहिए वो इसके इक्वल होना चाहिए मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल है मतलब जो आपने वॉल में टोटल ब्रिक्स यूज किए गए उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए एन इंटू वन के इक्वल होना चाहिए तो हम लिख सकते हैं क्लियरली एन इंटू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी वन पॉइंट फाइव एट हंड्रेड 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 क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल ये हमने फाइंड आउट कर लिया ये कितना है फोर्टी वन पॉइंट फाइव एट हंड्रेड हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब फोर्टी वन पॉइंट फाइव एट इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यू सो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स भी हमने देखा ये कितना था एन इंटू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सो क्या होगा एन इंटू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी इज इक्वल टू फोर्टी वन पॉइंट फाइव एट इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए ये वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी को यहाँ पर आप ट्रांसपोज कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा फोर्टी वन पॉइंट फाइव एट इन टू हंड्रेड इन टू हंड्रेड इन टू हंड्रेड होल डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी यहाँ पे इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो एनी जी कोशन कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आप क्या करिए ये टर्म को वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी से डिवाइड करिए आपको मिल जाएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सो एन कितना आ गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड अब एन हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया एन क्या है नंबर ऑफ ब्रिक्स तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो कि वॉल में यूज़ किया गया वो कितना है वो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट किया और उसको क्या, क्या? यहाँ हमने किया टोटल डिवाइड क्या क्या? कर दिया हमको सिंपली आंसर मिल गया बस यही देखना था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं आप डायरेक्टली टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स नहीं था क्योंकि तो यहाँ पे गिवन है कि सीमेंट एंड सैंड भी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल में तो इसलिए जो हमने वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट किया था उसमें क्या किया उसमें हमने सीमेंट एंड सैंड का वॉल्यूम फाइंड आउट करके वॉल के वॉल्यूम में से माइनस किया तो हमको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मिला फिर हमने क्या किया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स से तो हमको क्या आया टोटल नंबर ऑफ ब्रिक चलिए फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाटर टैंक बिल्ट इन अ टाउन

वो क्या कर रहा है ट्वेंटी फ़ाइव थाउजेंड पीपल के लिए वाटर सप्लाई कर रहा है ठीक है उस टैंक से क्या किया जा रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के हाँ तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल के लिए वाटर सप्लाई तो किया जा रहा है सो so, वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि पर एक आदमी जो है एक पर्सन जो है एक पर्सन क्या कर रहा है एक दिन में वन लीटर वाटर यूज़ कर रहा है या वन लीटर वाटर कंज्यूम कर रहा है ठीक है ना या देखें यहाँ पर गिवन है क्या गिवेन है कि वाटर टैंक बिल्ड इन अ टाउन टू सप्लाई वाटर टू इट्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल एट वन ट्वेंटी फाइव लीटर पर डे पर पर्सन मतलब एक पर्सन के लिए एक दिन में कितना पानी वाटर दिया जा रहा है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लीटर तो आप इस तरीके से रिज्यूम करिए यहाँ पे वाटर टैंक गिवन है ठीक है ना वाटर टैंक है और यहाँ पे क्या गिवेन है वाटर टैंक का लेंथ गिवन है लेंथ यहाँ पे रिज्यूम कर लीजिए लेंथ कितना है लेंथ गिवन है आपके पास ये है फोर्टी मीटर लेंथ कितना है फोर्टी मीटर लेंथ गिवन है फोर्टी मीटर और क्या गिवन है आपको और लेंथ के बाद आपको गिवन है कि ये इसकी विथ वि कितनी है थर्टी वन पॉइंट टू फाइव मीटर ब्रिथ कितनी है थर्टी वन पॉइंट टू फाइव मीटर आपको क्या करना है देखिए आपको बताना है कि टैंक का डेफ्थ क्या है डेफ्थ ऑफ टैंक मतलब ये देखिए ये आपको क्या बताना है डेफ्थ ऑफ टैंक ये क्या है एच यहाँ पे एग्जिम्पल ये एच की वैल्यू क्या है ठीक है और ये कहा जा रहा है कि टैंक जब फुल होता है टैंक जब फुल होता है तो ये दो दिन तक पानी वाटर सप्लाई कर सकता है एक दिन तक वाटर सप्लाई कर सकता है दो दिन तक सप्लाई करता कर सकता है तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हैं कि आपको लेंथ पता है ब्रेथ पता है हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको वॉल्यूम चाहिए सो so, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा कि इसमें जितना ये वाटर होल्ड कर सके या हम हो सकते हैं वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक क्या होगा ये जितना वाटर होल्ड कर पा रहा होगा वो टोटल इसका वॉल्यूम हो जाएगा अब जब ये फुल होता है तो क्या करता है दो दिन तक टू डेज ये सप्लाई कर सकता है वाटर तो इसका मतलब टू डेज के लिए ये जितना वाटर होल्ड करता है वही इसका वॉल्यूम हो गया ठीक है तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टू डेज के लिए कितना वाटर होल्ड कर सकता है तो दो दिन तक जब ये सप्लाई कर रहा है तो दो दिन में ये टोटल जो पीपल हैं कितने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये जितना वाटर कंज्यूम कर रहे होंगे उतना ये दो दिन में सप्लाई कर रहा है सिंपल सी बात है कि इस टैंक से हम दो दिन तक सप्लाई दे रहे हैं तो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल्स दो दिन तक तो जितना यूज़ कर रहे हैं उतना हम क्या कर रहे हैं यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं ठीक है ना टोटल ये जब फुल रहता है तो दो दिन तक तो सप्लाई कर सकता है आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो हम क्या करेंगे हम कंजप्शन फाइंड आउट कर लेंगे कि जो टोटल पीपल्स हैं ये दो दिन में कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं जितना वाटर वो यूज़ करेंगे वही क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा और उसके बाद देखिए आपको लेंथ गिवन है ब्रेथ गिवन है और आप आसानी से डेप्स फाइंड आउट कर पाएंगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब देखिए वाटर कंज्यूम बाय पीपल इन वन डे एक दिन में जो लोग हैं वो कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो देखिए गिवन है कि वन पीपल जो है वो क्या कर रहा है वन ट्वेंटी फाइव लीटर वाटर यूज़ कर रहा है वन डे में तो टोटल तो नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो वाटर कंज्यूम बाय पीपल इन वन डे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल ये कितने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू वाटर कंज्यूम बाय वन पर्सन इन वन डे सो so, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लीटर्स सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ये आएगी थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लीटर्स सो आप बोल सकते हैं कि वन डे में जो कंजप्शन है वाटर का ठीक है ना वन डे में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं थर्टी थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लीटर कितना थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लीटर्स लेकिन ये जब टैंक फुल रहता है तो दो दिन तक तो वाटर सप्लाई कर सकता है तो हम बोल लेंगे कि वाटर कंज्यूम बाय पीपल इन टू डेज तो दो दिन में कितना वाटर ये कंज्यूम करेंगे सो वन डे में कितना आ गया थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लीटर सो टू डेज के लिए क्या आ जाएगा टू इन टू थर्टी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लीटर सो यहाँ से टू डेज में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सिक्सटी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड लीटर सो so दो दिन में जो वाटर कंजम्पशन है वो कितना है सिक्सटी टू फिफ्टी थाउजेंड लीटर तब देखिए हम क्या करेंगे ये वैल्यूज लेंथ और ब्रेथ ये किसमें गिवन है मीटर में गिवन है तो हम क्या करेंगे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जो वैल्यू हमको आ रही है लीटर में हम क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये कितना हो जाएगा सिक्सटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड मीटर क्यूब और यहाँ से हमको मिल जाएगा सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर क्यूब सो जो पीपल हैं जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं दो दिन में सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर क्यूब जो वाटर है वो कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो कितना है 6250 मीटर क्यूब देखिए सिंपल सी बात है जब टैंक फुल रहता है तो दो दिन तक वाटर सप्लाई कर सकता करता है यही गिवन है ना क्या क्या दिया जा रहा है कि वेन इट इज़ फुल कैन इट इज इट कैन सप्लाई वाटर फॉर टू डेज देखिए गिवन है द टैंक वेन इट इज़ फुल कैन सप्लाई वाटर फॉर टू डेज तो दो दिन तक वाटर सप्लाई कर सकता है टैंक तो इसका मतलब दो दिन में जो पर्सन है टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो जितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही कैपेसिटी है टैंक का तो लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर क्यूब सो टैंक का जो वॉल्यूम है टैंक का वॉल्यूम कितना का सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर क्यूब मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी तो हमारे पास क्या देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर क्यूब अब आप देखिए डेफ्थ ऑफ टैंक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई लेंथ इन टू अब लेंथ आपको गिवन है लेंथ कितना है 40 मीटर और ब्रेथ है 31.25 मीटर और वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया 6,250 मीटर क्यूब सो डेफ्त ऑफ टैंक कितना हो जाएगा 6,250 डिवाइडेड बाय 40 फिफ्टी इंटू थर्टी मीटर और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो डेफ्थ ऑफ टैंक कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 मीटर ऑफ टैंक कितना आएगा फाइव मीटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास द सॉइल टेकन आउट फ्रॉम अ पिट इज इवेंटली स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ नाइन्टी मीटर विथ सिक्सटी मीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग इज थ्री थाउजेंड सेवेंटी एट मीटर क्यूब फाइंड द हाइट ऑफ द फील्ड रेज्ड देखिए क्या कहा जा रहा है द दॉयल टेकन आउट फ्रॉम अ पिट इज इवेंटली स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड विथ 60 मीटर देखिए ये कहा जा रहा है कि आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका कि लेंथ गिवन है लेंथ कितना है आपके पास लेंथ है नाइन्टी मीटर और विथ कितना है विथ है सिक्सटी मीटर ये चीज़ आपको गिवन है ठीक है और क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहीं से आ, क्या किया गया कोई पिट बनाया गया वहाँ से सॉइल निकाल के क्या किया गया कि इस रेक्टेंगुलर जो फील्ड है आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इस पर फैला दिया गया मतलब इस पर ला के सॉयल रख दिया गया इवनली मतलब सभी जगह एक जैसा ही रख दिया गया अब क्या कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द फील्ड रेज मतलब कितना हाइट एक्स्ट्रा uh, हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा बढ़ जाएगा फील्ड का जबकि ये गिवन है कि जो सॉइल लाया गया है उसका वॉल्यूम मतलब टोटल सॉइल का जो वॉल्यूम वो कितना है थ्री थाउजेंड सेवेंटी एट तो आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे ला के क्या किया गया इस तरीके से सॉइल यहाँ पे स्प्रेड कर दिया गया स्प्रेड कर दिया गया जब सॉइल स्प्रेड कर दिया गया तो इसकी कुछ हाइट हुई ठीक है ना इसकी कुछ हाइट हुई वही तो पूछा जा रहा है तो अगर आप इसकी हाइट को एच एज्यूम कर लेते हैं क्या एज्यूम कर लेते हैं एच हाइट बढ़ गई जो फील्ड है फील्ड की हाइट कितनी बढ़ गई एच बढ़ गई ठीक है ना एच मीटर बढ़ गई क्योंकि सभी जो यूनिट्स हैं रिमेनिंग यूनिट्स या बोल सकते हैं लेंथ जो है वो मीटर में गेवन और ब्रेथ जो है वो मीटर में गिवन है तो हम बोल सकते हैं हाइट क्या हो गया एच मीटर बढ़ गया हाइट कितना हो गया एच मीटर बढ़ गया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल सॉइल ला के फैलाया गया है इस सॉइल का टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना है थ्री मीटर क्यूब जो सॉयल लाया गया है उसका वॉल्यूम कितना है थ्री मीटर क्यूब तो हम बोल सकते हैं कि जब ये आपने हाइट एज्यूम किया एच मीटर है लेंथ यहाँ पे 90 मीटर गिवन है ऑपरेट कितना गिवन है 60 मीटर तो इसके अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है ये आपके पास क्यूबोर्डर शेप बन रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा नाइन्टी इंटू सिक्स इंटू एच मीटर ये ना नाइन्टी मीटर इंटू मीटर इंटू एच मीटर या बोल सकते हैं नाइन्टी इंटू सिक्स इंटू एच मीटर क्यूब ये हो जाएगा वॉल्यूम और वॉल्यूम तो आपको गिवन है दोनों को इक्वेट कर दीजिए आपको हाइट मिल जाएगा ठीक है या बोल सकते हैं हाइट ऑफ द फील्ड रेज जो पूछा गया वो आपको मिल जाएगा तो आप लिख लीजिए

तो वॉल्यूम आपने कितना फाइंड आउट किया नाइन्टीन टू सिक्सटीन टू एच मीटर क्यूब लेकिन देखिए ये गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग मतलब जो सॉयल लाया गया पिट में से निकाल के लाया गया सॉयल तो वो सॉयल का टोटल वॉल्यूम कितना है थ्री थाउजेंड सेवेंटी एट मीटर क्यूब तो इसका मतलब कि ये जो वॉल्यूम है नाइन्टीन टू सिक्सटी टू एच मीटर क्यूब और ये जो वॉल्यूम है थ्री थाउजेंड सेवेंटी एट मीटर क्यूब ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो आप बोल सकते हैं क्लियरली नाइनटीन टू सिक्सटी टू एच इज़ इक्वल टू थ्री थाउजेंड सेवेंटी एट यहां से आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा so, एच तो की वैल्यू h कितना जीरो पॉइंट फाइव सेवन मीटर सो आप कह सकते हैं कि हाइट ऑफ फील्ड रेज ये कितना आ गया ये आ गया जीरो मीटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज वन फिफ्टी फोर मीटर लॉन्ग एंड वन ट्वेंटी वन मीटर ब्रॉड देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ गिवन है और क्या गिवेन है ब्रेथ गिवेन है अब क्या कहा जा रहा है अ वेल ऑफ फोर्टीन मीटर लेंथ एंड एलेवन मीटर ब्रेथ इज डब इन साइड द फील्ड एंड सॉयल टेकन आउट इज स्प्रेड इवेनली ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड टू अ थिकनेस ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर थिकनेस कितना है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फाइंड द डेफ ऑफ द वेल ध्यान दीजिएगा देखिए अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो गिवन क्या क्या है पहले ये देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास 154 हंड्रेड फिफ्टी मीटर लॉन्ग है और 121 मीटर ब्रॉड है तो so, आप एक डायग्राम बनाइए ठीक है आप क्या करिए पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बना लीजिए तो रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास क्या है ये गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड ये कितना है इसका लेंथ गिवन है लेंथ कितना है आपके पास वन मीटर ये लेंथ है और ब्रेड कितना है ब्रेड है आपके पास 121 मीटर ठीक है ना ब्रेड कितना है 121 मीटर अब क्या कहा जा रहा है अ वेल ऑफ 14 मीटर लेंथ एंड 11 मीटर ब्रेड इज डग इन साइड द फील्ड मतलब फील्ड में कहीं भी जो है एक वेल बनाया गया जिसका लेंथ कितना है 14 मीटर और ब्रेथ कितना है ये है 11 मीटर सो so आप कहीं भी रिज्यूम कर लीजिए देखिए, फील्ड इज स्प्रेड इवनली ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड टू अ थिकनेस ऑफ 25 सेंटीमीटर तो ध्यान दीजिए अगर आप एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे वेल well बनाया गया जिसका लेंथ गिवन है लेंथ कितना है आपके पास लेंथ है 14 मीटर लेंथ कितना लेंथ आप यहाँ पे देखिए लेंथ गिवन है आपके पास फोर्टीन मीटर और ब्रेथ गिवन है ब्रेथ कितना है आपके पास ये है अलेवन मीटर ब्रेथ कितना है ये आपके पास है एलेवन मीटर अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से इस पोर्शन से जो सॉइल बाहर निकाला गया ठीक है ना इस पोर्शन से जो सॉइल बाहर निकाला गया वो रिमेनिंग पोर्शन पे क्या किया गया स्प्रेड कर दिया गया मतलब यहाँ से सॉइल निकाल के क्या किया गया ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे सॉइल इवनली रख दिया गया सभी जगह पे ठीक है तो जब सॉइल रखा गया तो कहा जा रहा है कि जो हाइट है यहाँ पे गिवन है या फिर बोल सकते हैं थिकनेस है थिकनेस यहाँ पे गिवन है ये कितना हो गई ये कहा जा रहा है कि ये ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर थिकनेस हो गई देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या क्या कहा जा रहा है टू अ थिकनेस ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मतलब जब यहाँ पे सॉइल रखा गया सभी जगह इवेंली ठीक है तो जो सभी जगह हाइट है वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बढ़ गई तो ये थिकनेस जो हो गया वो कितना हो गया ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो ध्यान रखिए ये थिकनेस जो है ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये थिकनेस कितना हो गया ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो अब कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है फाइंड द डेफ ऑफ वेल ये जो वेल well है जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है इस वेल well का डेफ्थ बता दीजिए तो देखिए आपको क्या क्या पता है यहाँ पर यहाँ पर आपको लेंथ पता है ठीक है क्या पता है लेंथ पता है और ब्रेड पता है लेंथ पता है ब्रेड पता है जो आपने वेल well बनाया है डेफ्त बताने के लिए आपको क्या चाहिए वॉल्यूम पता हो जाए अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम पता हो जाए क्या पता हो जाए वॉल्यूम फ़ाइंड आउट कर लें आप अगर वॉल्यूम फाइंड आउट कर ले वेल well का तो डेफ्त आसानी से पता हो जाएगा अब वॉल्यूम ऑफ वेल कितना क्या होगा वॉल्यूम ऑफ़ वेल क्या होगा जो आपने इस वेल well से सॉइल निकाला है या इस वेल well से जो सॉयल बाहर निकाल के यहाँ पे आपने फील्ड पे फैलाया हुआ है फील्ड पे रखा हुआ है तो इस सॉयल का जो टोटल वॉल्यूम होगा वही क्या होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ़ वेल मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है देखिए सिंपल सी बात है यहाँ से सॉइल इस वेल से सॉइल निकाला गया और यहाँ पे रख दिया गया फील्ड पे ठीक है सभी जगह तो ये यह जो यहाँ से निकाला गया है सॉइल इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वही क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा अब ये जो टोटल सॉइल फाइन बाहर निकाला गया इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इन हाइट हाइट तो हमको पता ही है हाइट तो हमको पता ही है अगर हमको पता चले कितने एरिया पे हमने यह, यह सॉइल जो है वो स्प्रेड किया है तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा और एरिया कैसे निकलेगा एरिया निकल आएगा टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस वेल ठीक है ना रेक्टेंगल के एरिया में से क्या करेंगे वेल का एरिया माइनस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा जिस पर कि हमने सॉइल स्प्रेड किया हुआ है और हाइट ऑफ या हम लोगों थिकनेस तो गिवन ही है हमको जो हमने सॉइल स्प्रेड किया उसका थिकनेस गिवन है तो हम क्या करेंगे एरिया मल्टीप्लाइड दिस थिकनेस कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ जाएगा और यही वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो होगा ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ पिट के इक्वल होगा ठीक है ना वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी इज इक्वल टू वर्ड दैट वॉल्यूम ऑफ वेल जो हमने यहाँ पे वेल well बनाया उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे आसानी से डेफ्थ ऑफ वेल फाइंड आउट कर लेंगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब गिवन है देखिए लेंथ ऑफ वेल कितना है 14 मीटर ब्रेथ ऑफ वेल कितना है 11 मीटर तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ वेल ये कितना हो जाएगा 14 इंटू एलेवन मीटर स्क्वायर यहाँ से एरिया कितना मिल जाएगा 154 मीटर स्क्वायर अब देखिए लेंथ ऑफ फील्ड गिवन है ब्रेथ ऑफ फील्ड गिवन है तो एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 154 हंड्रेड फिफ्टी मीटर स्क्वायर देखिए लेंथ है 154 मीटर और फोर ब्रेथ कितना है 121 मीटर तो एरिया ऑफ फील्ड जिसको हम ए टू लिख रहे हैं ये कितना हो गया वन हंड्रेड मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वेल जिसको हमने एवन लिखा हुआ है या बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ वेल जिसको हमने एवन लिखा हुआ है ये कितना आया है 154 मीटर स्क्वायर यहाँ से देखिए एरिया ऑफ फील्ड आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए तो 154 हंड्रेड फिफ्टी ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एटीन सो so, आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ फील्ड ये कितना आ गया एटीन मीटर स्क्वायर अब देखिए अब आपको क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ फील्ड इन विच सॉयल इज स्प्रेड इसको हम रिज्यूम करें कि हमारे पास ए है तो ए थ्री इजी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ वेल तो हम लिख सकते हैं ए थ्री इजिक्वस्ट दैट इज ए टू माइनस ए वन अब आप वैल्यूज रख दीजिए तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए थ्री इजी क्या आ जाएगा एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर माइनस वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर स्क्वायर यहाँ से ए थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर मतलब आप बोल सकते हैं

आप क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर को हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में वैल्यू आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉइंट फोर मीटर अब देखिए क्लियरली जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा एरिया ओवर ओवरविच सॉइल इज स्प्रेड एरिया ऑफ फील्ड ओवर ओवरविच सॉइल इज स्प्रेड एंड मल्टीप्लाइड बाई वो थिकनेस तो ये कितना एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी मल्टीप्लाइड बाई वन बाई फोर मीटर क्यूब यहाँ से वॉल्यूम कितना आया वॉल्यूम आ जाएगा 4,620 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना गया 4,620 मीटर क्यूब अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमको मिल गया कितना है 4,620 मीटर क्यूब तो अब देखिए डेफ्थ ऑफ वेल ये क्या होगा टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेस ऑफ वेल अब देखिए जो हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये कितना है फोर्टी सिक्स मीटर क्यूब तो अब देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है यही क्या volume of well है वॉल्यूम ऑफ वेल है यही क्या है वॉल्यूम ऑफ वेल तो आप बोल सकते हैं डेफ्थ ऑफ वेल इज इक्वल से क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपन एरिया एरिया ऑफ बेस ऑफ वेल अब वॉल्यूम कितना आया ये आया फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी मीटर क्यूब ठीक है और एरिया ऑफ बेस आपको पता है ये कितना है वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर स्क्वायर तो आप बोल सकते हैं डेफ्थ ऑफ वेल जिसको हमने यहाँ पे एच लिखा हुआ एच इज इक्वल टू फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीटर और यहाँ से एच इज इक्वल से कितना आ जाएगा 30 मीटर एच इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर या यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि जो आपने वेल बनाया है वेल का डेफ्थ कितना है वेल का डेफ्थ है आपके पास यहाँ पे 30 मीटर वेल का डेफ कितना है आपके पास 30 मीटर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेसिकली हमने क्या किया हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि किस एरिया पे या कितने एरिया पे हमने सॉइल को स्प्रेड किया हुआ है फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड आउट किया जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसको हमने इक्वल कर दिया किसके वॉल्यूम ऑफ वेल के वेल well का एरिया ऑफ बेस हमको पता था वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस से डिवाइड किया हमको डेफ्थ ऑफ वेल मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ़ रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे व फाइव सेंटीमीटर हाउ मनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन वन हेक्टेयर फील्ड ऑन दैट डे देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे ये कहा जा रहा है कि, कि किसी दिन जो रेनफॉल है वो कितना है फाइव सेंटीमीटर रेनफॉल कितना है फाइव सेंटीमीटर आपको बताना है कि वन हेक्टेयर फील्ड पे कितना वाटर गिरा हुआ देखिए ये गिवन है हाउ मेनी वाटर फेल ऑन वन हेक्टेयर फील्ड ऑन दैट डे देखिए पहले बात तो ये है कि रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे व फाइव सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन जब रेनफॉल हुआ तो ऐसा रेनफॉल हुआ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें किसी पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें जिस पोशन पे ना तो आप कहीं वहाँ पे ना तो वाटर आ सकता है ना तो वहाँ से वाटर कहीं गया हुआ है तो उस पर्टिकुलर स्पेस पे जितना वाटर का हाइट होगा वो कितना होगा फाइव सेंटीमीटर मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो वन हेक्टेयर फील्ड है वन हेक्टेयर फील्ड आप एज्यूम कर लीजिए वन हेक्टेयर फील्ड है ये फील्ड कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ना तो कहीं से वाटर आ सकता है और ना तो कहीं वाटर जा सकता है कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए ये इस तरीके से फील्ड है तो यहाँ पे जो वाटर गिरा उस दिन पर्टिकुलर इस फील्ड पे जो वाटर गिरा इस फील्ड पे वाटर गिरने के बाद जो हाइट मेज़र की गई ये हाइट कितनी है फाइव सेंटीमीटर इस तरीके से आप इसको समझिए ठीक है तो अब कहा जा रहा है कि ये फील्ड पे कितना वाटर गिरा कितने लीटर वाटर गिरा हुआ है हाउ मनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन वन हेक्टेर फील्ड ऑन दैट डे तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए गिवन है एरिया ऑफ फील्ड कितना है हमारे पास वन हेक्टेयर एरिया ऑफ फील्ड कितना है वन हेक्टेयर तो देखिए वन हेक्टेयर इज इक्वस्ट टू कितना होता है ये होता है टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर तो इसका मतलब एरिया ऑफ फील्ड कितना हो गया टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर ठीक है एरिया ऑफ फील्ड हो गया टेन थाउजेंड मीटर स्क्वायर और ये गिवन है देखिए कि रेनफॉल जो है उसकी हाइट कितनी है फाइव सेंटीमीटर मतलब डेफ्थ ऑफ वाटर फील्ड पर कितना है वो है फाइव सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा फाइव अपॉन हंड्रेड मीटर ये कितना आ जाएगा आपके पास वन पॉइंट ट्वेंटी मीटर मीटर में क्यों चेंज किया क्योंकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है तो अब डिफ्ट ऑफ वाटर आ गया वन पॉइंट ट्वेंटी मीटर सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा एरिया एरिया मल्टीप्लाइड बाई वॉट हाइट यहाँ बोल सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिफ्ट ऑफ वाटर डिफ्ट ऑफ वाटर को हमने क्या लिखा हुआ है एच लिखा हुआ है तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड ट्वेंटी मीटर क्यूब और यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा फाइव हंड्रेड मीटर क्यूब तो वॉल्यूम कितना आ गया 500 मीटर क्यूब मतलब जो वाटर है वाटर का टोटल वॉल्यूम 500 हंड्रेड मीटर क्यूबा हो गया यहाँ बोल सकते हैं जो टोटल वाटर गिरा वो कितना है 500 मीटर क्यूब लेकिन हमको बताना है लीटर में तो हम क्या करेंगे इसको लीटर में चेंज कर देंगे हमको पता है वन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है वन थाउजेंड लीटर तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइव हंड्रेड इंटू वन थाउजेंड लीटर तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फाइव लाख लीटर कितना हो जाएगा फाइव लाख लीटर तो सिंपल क्वेश्चन था आपने क्या किया एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर दिया बस दोनों की यूनिट सेम रखी आपको आंसर मिल गया वॉल्यूम मिल गया वॉल्यूम जो आया उसको आपने लीटर में लिख दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबेडल टैंक इज सेवन मीटर सिक्स मीटर एंड फिफ्टीन मीटर रिस्पेक्टिवली एट थाउजेंड फोर हंड्रेड लीटर ऑफ वाटर इज पम्पड आउट फ्रॉम द टैंक फाइंड द फॉल इन वाटर लेवल इन द टैंक देखिए क्या कहा जा रहा है एक क्यूबेडल टैंक है क्यूडल टैंक में कहा गया है कि लेंथ कितना है सेवन मीटर ब्रेड कितना है सिक्स मीटर हाइट कितना है फिफ्टीन मीटर क्यूबाडल टैंक में से क्या किया गया एट थाउजेंड फोर हंड्रेड लीटर ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकाल लिया गया आपको बताना है कि वाटर लेवल कितना कम हुआ ठीक है तो आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास यहाँ पर कोई क्यूबल टैंक है इस देखिए ये क्यूबल टैंक है इस तरीके से आप समझिए ठीक है ना ये ये क्या है क्यूबल टैंक और उसमें क्या है वाटर भरा हुआ है ठीक है रिज्यूम कर लेते हैं वाटर इस लेवल तक भरा हुआ है ठीक है अभी कितना वाटर है इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे तो रिज्यूम कर लीजिए यहाँ तक वाटर भरा हुआ है ठीक है और यहाँ पे कहा गया है लेंथ कितना है लेंथ है आपके पास सेवन मीटर ब्रिज कितना है सिक्स मीटर और हाइट गिवन है आपको फिफ्टीन मीटर ठीक है हाइट कितना गिवेन फिफ्टीन मीटर तो अब कहा जा रहा है कि एट थाउजेंड फोर हंड्रेड लीटर वाटर जो है यहाँ से बाहर निकाल लिया गया तो जब एट थाउजेंड फोर हंड्रेड लीटर वाटर बाहर निकालेगा तो रिज्यूम करिए क्या वाटर लेवल यहाँ तक आ गया ठीक है ना वाटर लेवल कहाँ तक आ गया यहाँ तक हम बोल देते हैं ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट ए है तो पहले बी पॉइंट तो वाटर लेवल था अब कम होकर वाटर लेवल कहाँ तक आ गया ए तक आ गया तो मतलब ये हाइट आपको बतानी है ये हाइट बतानी है ठीक है क्या बताना है यही हाइट बतानी है तो एज्यूम कर लीजिए ये आपके पास क्या एच है? है तो यही एच आपको बताना है अब देखिए यहाँ से 8400 लीटर वाटर पम्प पम्प आउट किया गया मतलब बाहर निकाला गया तो ये जो वाटर निकाला गया इसका वॉल्यूम कितना है इसका वॉल्यूम है एट थाउजेंड फोर हंड्रेड लीटर तो आपको पता है वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू क्या होता है एरिया ऑफ बेस इन टू हाइट अब देखिए यहाँ पर जो अपर सर्फेस होगा वो किस शेप में होगा जिस शेप में यहाँ पर बेस है ठीक है ना तो जो बेस का एरिया होगा वही अपर सर्फेस का एरिया होगा तो अपर सर्फेस का एरिया इन टू ये हाइट इज़ इक्वल्स टू ये टोटल वॉल्यूम ठीक है और ये वॉल्यूम तो जो है वो बाहर निकाल लिया गया ठीक है ना ये जो वॉल्यूम है ये क्या किया गया बाहर निकाल लिया गया तब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो बाहर निकाला गया है वॉल्यूम इस तरीके से देखिए आपको बोल सकते हैं ये जो बाहर निकाला गया वॉल्यूम ये क्या होगा ये एरिया ऑफ बेस दिस वन इंटू ये हाइट और ये हाइट फाइंड आउट करना है सिंपल सी बात है एरिया ऑफ़ बेस निकल आएगा क्योंकि सेवन इंटू सिक्स कर देंगे बेस का डायमेंशन आपके पास है यहाँ पे तो एरिया ऑफ़ बेस आ जाएगा तो आप क्या करिए एरिया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए तो वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम गिवन है और एरिया ऑफ़ बेस गिवन है तो हाइट कैसे निकालेंगे वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया ऑफ़ बेस करके तो so, आसानी से आंसर मिल जाएगा चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प आउट आपको गिवन है कितना है एट थाउजेंड फोर हंड्रेड लीटर डायमेंशन यहाँ पे देखिए जो बेस का डायमेंशन हो में है मीटर में है तो आप क्या करिए इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एट थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइड बाई वन थाउजेंड मीटर क्यूब यहाँ से आपको मिल जाएगा एट पॉइंट फोर मीटर क्यूब क्या मिल जाएगा एट पॉइंट फोर मीटर क्यूब सो हम बोल सकते हैं टैंक का वॉल्यूम कितना हो गया 8.4 पॉइंट मीटर क्यूब टैन टैंक का वॉल्यूम कितना हो गया 8.4 पॉइंट फोर मीटर क्यूब फर्दर चलिए एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक ये क्या हो जाएगा सेवन इंटू सिक्स मीटर स्क्वायर जो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास सेवन इंटू सिक्स डेट इज़ वट फोर्टी टू मीटर स्क्वायर अब देखिए फॉल इन वाटर लेवल ऑफ टैंक जिसको कि हमने एच एज्यूम किया ये कितना है वॉल्यूम जो पम्प आउट किया गया अपॉन एरिया ऑफ बेस तो ये कितना हो जाएगा एच इज इक्वस टू एट पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई फोर्टी टू मीटर तो यहाँ से एच ईसिक्वल्स कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू मीटर तो आप कह सकते हैं कि फॉल इन वाटर लेवल ये कितना हो गया ज़ीरो पॉइंट टू मीटर चलिए फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए वॉट इज़ द वेट ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस फिफ्टी सेंटीमीटर इन लेंथ इफ़ वन क्यूबिक मीटर ऑफ आइस वेज नाइन हंड्रेड किलोग्राम तो यहाँ पे देखिए क्यूबिकल ब्लॉक जो है उसका आपको लेंथ गिवन है ठीक है और आपको क्या करना है वेट बताना है और आपको गिवन है वन क्यूबिक मीटर आइस जो है उसका वेट कितना है नाइन हंड्रेड किलोग्राम तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे सो लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक आपको गिवन है कितना है फिफ्टी सेंटीमीटर अब देखिए आपको जो वेट गिवन है वो किसका गिवन है वन क्यूबिक मीटर ऑफ आइस का वेट गिवन है तो क्या करिए इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा फिफ्टी अपॉन हंड्रेड मीटर जिसको आप लिख सकते हैं वन अपॉन टू मीटर सो लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक आपको मिल गया तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू क्यूब मीटर क्यूब वन पॉइंट टू क्यूब मीटर क्यूब तो इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा वन पॉइंट एट मीटर क्यूब ठीक है वॉल्यूम क्या आ गया वन पॉइंट एट मीटर क्यूब अब आपको गिवन है क्या गिवन है वेट ऑफ वन मीटर क्यूब आइस ये कितना गिवन है नाइन हंड्रेड किलोग्राम सो वेट ऑफ वन पॉइंट एट मीटर क्यूब आइस ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट एट इंटू नाइन हंड्रेड किलोग्राम सो so, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ आइस कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 112.5 किलोग्राम ट्वेल्व वेट ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ये कितना आ गया 112.5 किलोग्राम तो आई होप जो आपको पढ़ाया गया वो सब समझ में आया गया होगा आ गया होगा आपको वॉल्यूम ऑफ़ क्यूब एंड क्यूबाइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है ईजी कंसेप्ट हैं तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो जो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबोइड पढ़ा हुआ है तो उसमें बेस्ड क्वेश्चन ही है सिंपल क्वेश्चन है आपने पूरा लेक्चर देखा होगा आई होप तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू वेरी मच